गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम आईटी लॉ का वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखेंगे जो डील करता है साइबर ऑफेंस से रिलेटेड। क्लास में अपन ने 68 सेक्शन तक कर लिया था, तो अब जो ये वीडियो होगा वो 69 से लेके 80 तक जितने भी ऑफेंसेस डिफाइन किए गए उस सब के बारे में डील करेगा। तो आज मैं 69 से चालू करता हूँ। सेक्शन 69 क्या कहता है? सेक्शन 69 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी किस चीज़ से रिलेटेड, मॉनिटरिंग या डिक्रिप्शन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। या तो मतलब कि वो क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी मैसेज को कोई रिसोर्स जा रहा है इधर से उधर उसको बीच में रोक सकते हैं। जैसे अपन होता है ना, इंटरसेप्ट करते हैं, किसी को रोकते हैं, चेकिंग टाइप नाकाबंदी टाइप का, उसको इंटरसेप्शन बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो है मॉनिटरिंग, किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब उस डाटा के ऊपर निगरानी रख सकते हैं कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, डाटा के कंटेंट्स क्या है। और लास्टली डिक्रिप्ट कर सकते हैं। डिक्रिप्ट मतलब जैसे मैंने बताया था क्लास में कि व्हाट्सएप के जो मैसेज होते हैं वो SSL इनक्रिप्शन से जाते हैं, तो ये जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा होता है उसको भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑर्डर देती है तो उसको आप डिक्रिप्ट कर सकते हो, मतलब एनक्रिप्टेड को डिक्रिप्ट कर सकते हो। तो जिससे होगा क्या, उससे वो डाटा में ओरिजिनल जो कंटेंट है वो पता चल जाएगा। ये क्या करते हैं, देश की सिक्योरिटी जब खतरे पर होती है तब इन तरह के मेजर्स को लिया जाता है। आइए अब देख लेते हैं सेक्शन कहता क्या है। ठीक है, सेक्शन चालू होता है वे द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पावर किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है तो ये पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास है। क्या कर सकती, किसी भी ऑफिसर को क्या कर सकती है, कह सकते हो आप ऑफिसर को, बोलते कि हाँ, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है कि जिस ऑफिसर को आप बोलोगे टास्क दे दो कि हाँ आपको या तो इंटरसेप्ट करना है, मॉनिटर करना है या डिक्रिप्ट करना है। किस केसेस में ये डिक्रिप्ट किया जा सकता है, ये दो नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि किन केसेस में कोई भी जो इन्फॉर्मेशंस है वो डिक्रिप्ट, मॉनिटर या इंटरसेप्ट की जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। पहला है इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी, मैंने बताया अभी था कि देश की रक्षा के खिलाफ इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की एकता के अगर अगेंस्ट कोई चीज़ जा रही है, देश के सोवरेनिटी के मतलब देश की देश होने की जो कैपेसिटी, जैसे अपने देश के देश होने की जो कैपेसिटी है उसकी। दूसरा है इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की एकता से रिलेटेड। तीसरा है डिफेंस ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया मतलब देश की रक्षा के लिए। चौथा है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, किसी भी देश की रक्षा के लिए। पाँचवा फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, तो जितने भी फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट की बात करें, किसी भी दोस्त राज्य, किसी भी राज्य से दोस्ती के हाथ जो रिश्ते हैं वो मेंटेन रहे। और पाँचवा है पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मैंने बताया था कि ये अनरूली हॉर्स की तरह होता है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता क्या पब्लिक ऑर्डर हो, ये कोर्ट ही बता सकती है। बट बेसिकली इसके कहने का मतलब है कि देश में पीस मेंटेन रहे। और छठवां और लास्ट है इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंसेस, जैसे होता है आजकल ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से हेटरेड पोस्ट डाली जाती है और उससे क्या होता है, दंगे भड़क जाते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी ने पोस्ट डाल दिया एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ, पोस्ट डाल दिया और उससे क्या होता है, जब वो मैसेज सर्कुलेट होता है तो लोग क्या करते हैं, दंगे उसके एवेज में दंगे कर देते हैं। तो इस तरह के मैसेज को भी सेक्शन 68 रोक सकता है। आप क्या करोगे, उसको मॉनिटर कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस मेंशनड अबाउट। ठीक है, तो ये जो भी ये कमीशन जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल की ऑफेंस की बात कर रहा है। और मैंने बताया भी था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल क्या होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जहाँ पे आप विदाउट वारंट पुलिस किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकते, उसको अपन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला है। ठीक है, जब भी ये ऑर्डर पास करके इसको रिटर्न में ये ऑर्डर लिख के पास करना पड़ेगा, मतलब जब भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर पास करेगी तो इसको लिख के पास करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हो आप इसमें, इंटरसेप्ट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सेकेंड जो क्लॉज है वो बताता है कि द प्रोसीजर एंड सेफगार्ड सब्जेक्ट, जो प्रोसीजर है वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा बाय रूल। रूल क्या होंगे, आईटी रूल्स होंगे, उन्होंने बताया था बहुत सारे आईटी रूल्स होते हैं। अब अपन देख लेते हैं सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 ये बोलते हैं कोई भी इंटरमीडियरी, मैंने इंटरमीडियरी बताया था क्या होता है और मैंने ये भी बताया था कि सब्सक्राइबर क्या होता है। तो दोनों, या तो सब्सक्राइबर या इंटरमीडियरी, जब भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी क्या करना चाहता है, इंटरसेप्शन, मॉनिटर या फिर डिक्रिप्शन करना चाहता है, तो कोई भी सब्सक्राइबर या इंटरमीडियरी की कुछ ड्यूटीज़ होती है। पहली ड्यूटी, वो अपने कंप्यूटर की सिक्योर एक्सेस दे दे इस ऑफिसर को। दूसरा, वो मदद करे इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने में। तीसरा चीज़, जितने भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जितने भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उस कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर, वो उसको प्रोवाइड करे। चौथी, बस तीन चीज़ें हैं। चौथी, इसमें ये सब क्लॉज 4 ये दिया गया है कि अगर सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि जो सब्सक्राइबर या इंटरमीडियरी ने सब क्लॉज 3 के अंदर जो ड्यूटी है अगर उसको डिस्चार्ज नहीं किया तो क्या होगा,
तो उसके खिलाफ उसको पनिशमेंट मिल सकती है, जो पनिशमेंट दी गई है अप टू 7 ईयर्स एंड ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन, देख रहे 7 साल तक की सज़ा। मतलब अगर आपने इंटरसेप्शन, डिक्रिप्शन या मॉनिटरिंग में मदद नहीं करी, अगर उस ऑफिसर ने आपसे मांगे तो आप 7 साल के लिए जेल में जा सकते हैं या फिर आपके ऊपर फाइन भी हो सकता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं 69A। जब 69A को अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा 3 क्लॉज दिए गए हैं। 69A जो है वो 69 की मदद के लिए बनाया गया है। तो जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि 69 के अंदर कोई एक ऐसी मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जो देश की स्थिति को बिगाड़ सकते हो, 6 जो कारण है, या तो सॉवरेंटी हो जाएगी, इंटेग्रिटी हो जाएगी, पब्लिक ऑर्डर हो गया, इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंसेस हो गया, टोटल जो 6 चीज़ मेंशन थी 69 में, वो सारी की सारी चीज़ों में से कुछ एक चीज़ हो सकती है, तो वो अपने जो ऑफिसर को जिसको वो कर रहा है, जिसको वो ऑफिसर अपॉइंट कर रहा है, वो उसके अलावा किसी सब्सक्राइबर या इंटरमीडियरी को ये बोल सकता है कि आप तुरंत आपने जो कंटेंट डाला है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी सब्सक्राइबर ने डाला है तो सब्सक्राइबर को बोलेगा कि आप तुरंत ये कंटेंट डाल लीजिए, या फिर सब्सक्राइब पता नहीं चल रहा कौन उसका सब्सक्राइबर है तो वो क्या करेगा, इंटरमीडियरी को पकड़ेगा, बोलेगा इंटरमीडियरी को बोलेगा आप ये कंटेंट अपनी वेबसाइट से डालिए। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक में कोई हेटेड पोस्ट है तो कौन उसका यूज़र है उसको ना पकड़ के सीधे क्या फेसबुक को बोला जाए कि भैया आप इसको हटा लो, तो ये भी करा जा सकता है। तो कंटेंट हटाए जा सकते हैं अगर वो कंटेंट सर्कुलेट जनरेट करने से, ट्रांसमिट करने से, रिसीव करने से, स्टोर करने से या होस्टेड, ये 5 तरीके से चीज़ों से ब्लॉक किया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ भी है ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस, मतलब लोग ना देख पाए। अब अपन देख लेते हैं सब क्लॉज 3 इसका इंपॉर्टेंट, ये सेम चीज़ बताता है, अगर किसी इंटरमीडियरी ने अगर ये बात नहीं मानी, सॉरी मैं इसमें सब्सक्राइबर बोल गया था, यहाँ पर सब्सक्राइबर का कोई रोल नहीं है, पूरे सेक्शन 69A में सब्सक्राइबर का कोई रोल नहीं है, इंटरमीडियरी को ही डायरेक्ट करेगा। अगर इंटरमीडियरी को जो डायरेक्ट करे अगर उसने वो बात नहीं मानी तो 7 साल तक की सज़ा एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, जैसे ऊपर था सेम टू सेम यहाँ पे भी है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 69B। तो सेक्शन 69 जो है, 69B जो है वो ट्रैफिक डाटा की बात करता है कि सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या तो किसी अथॉरिटी को ऑथराइज करे या फिर इंटरमीडियरी को ट्रैफिक डाटा कलेक्ट करने की बात करे। अब ये वर्ड ट्रैफिक डाटा नया है, ट्रैफिक अपने को लगता है कि रोड में चलने वाली चीज़ों को ट्रैफिक डाटा बोला जाता है, बट IT लॉ में ट्रैफिक डाटा का मतलब ये होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन सपोज कर लीजिए कहीं से ट्रांसमिट की जा रही है, तो ट्रैफिक डाटा में क्या इंक्लूड हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकली, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ वो जा रही है, डेस्टिनेशन क्या है, उस मैसेज में क्या कंटेंट्स है, कितने लोगों को वो मैसेज मिल चुका है, कौन उसके रिसिपिएंट है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो ट्रैफिक डाटा के अंदर इंक्लूड की जाती है। इसकी मॉनिटरिंग क्यों की जाती है, ट्रैफिक डाटा की मॉनिटरिंग इसलिए की जाती है कि इन केस सपोज कर लीजिए आपके साथ कोई बैंक फ्रॉड हुआ है, तो आपको जो कोई ईमेल के थ्रू फ्रॉड हुआ है या कोई कॉल के थ्रू फ्रॉड हुआ है या कोई मैसेज के थ्रू फ्रॉड हुआ है तो इंटरसेप्शन क्या होगा, अपन उस ट्रैफिक डाटा को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि उसका सोर्स क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी जो देश में बिगड़ती जा रही है, क्योंकि आप सुनते हैं हर दिन नए तरीके साइबर फ्रॉड होते हैं, पहले कुछ तरह के अब UPI फ्रॉड होने लग गए और आगे पता नहीं क्या क्या, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी न्यू मोड्स आएंगे, उसी तरीके से न्यू मोड्स ऑफ हैकिंग भी आएंगे। तो सेक्शन 69B में स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रोल नहीं है, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। ठीक है, 69A तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों थी, पर 69B दोनों में ही स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, दोनों ही जगह स्टेट गवर्नमेंट वर्ड मैंशन नहीं है। ठीक है, 69A और 69B में सेंट्रल गवर्नमेंट की एकमात्र अथॉरिटी है, तो 69B में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, साइबर सिक्योरिटी देश से बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकती है, किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं कि हम आपके डाटा को कलेक्ट, मतलब ट्रैफिक डाटा कलेक्ट कर रहा है, या वो खुद एक अथॉरिटी को अपॉइंट कर लेगी या फिर वो इंटरमीडियट को बोलेगी कि आपको डाटा इकट्ठा करते रहना है। किस पर्पस के लिए डाटा इसलिए इकट्ठा करते रहना है, क्योंकि उससे होगा ये कि ट्रैफिक पता चलता रहेगा कहाँ ओरिजिन है, कहाँ सोर्स है। तो जब मैंने बताया था कि हेटरेड क्राइम है फेसबुक के थ्रू हो रहा है, तो अपने को पता चल जाएगा कि उसका सोर्स कहाँ पे है और उस किस आदमी को जेल में ढालना है अपने को। अब बनाया जाता है इसके सब क्लॉज 2 में, मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, या तो इंटरमीडियरी का कंप्यूटर रिसोर्स है या फिर पर्सन इन चार्ज ऑफ दैट कंप्यूटर रिसोर्स, उसके कंप्यूटर से ट्रैफिक डाटा क्या आ रहा है और उसी को अपने को मॉनिटर करना है। तो जो पर्सन है, या तो इंटरमीडियरी होगा या फिर पर्सन इन चार्ज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स होगा, उसको नेसेसरी जितने भी टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना है, उसको टेक्निकल जितना भी टेक्निकल क्या बोल सकते हैं अपन, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को जो डेजिग्नेट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ताकि वो अपना काम ठीक से कर पाए। अब इसमें जब बात है कि प्रोसीजर की बात करें, और मान लीजिए अगर इंटरमीडियरी ने
बात नहीं मानी तो क्या होगा, वही 7 साल की सज़ा या फिर नहीं सॉरी 7 साल की नहीं 3 ईयर्स की सज़ा और फाइन भी किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। 69A सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों हैं, 69A और 69B, ठीक है। 69 में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों हैं, 69A और 69B में खाली सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आने जाता है सेक्शन 70 में, सेक्शन 70 जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटेक्टेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 70 कहता क्या है। तो ये जो प्रोटेक्टेड सिस्टम है ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये पूछा जाता है प्रोटेक्टेड सिस्टम क्या होता है, सॉरी प्रोटेक्टेड सिस्टम की बात करता है सेक्शन 70 प्रोटेक्टेड सिस्टम की बात करता है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है प्रोटेक्टेड सिस्टम क्या होता है। इसमें एक और वर्ड यूज किया क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी पूछा जाता था कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी 2 नंबर के क्वेश्चन। तो अब देखते हैं अपन होता क्या प्रोटेक्टेड सिस्टम। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल गैजेट किसी भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर रखने वाले कंप्यूटर को प्रोटेक्टेड सिस्टम बोल सकती है, ठीक है। मतलब कि एक ऐसी कंप्यूटर को आप प्रोटेक्टेड सिस्टम बोलोगे जिसके अंदर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है। अब ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको अगर आप तबाह कर दो या नुकसान पहुंचा दो तो उससे देश की सिक्योरिटी अफेक्ट कर जा सकती है, 4 चीज़ें अफेक्ट हो सकती है। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 चीज़ें आती है, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी, 4 चीज़ें हैं। चारों चीज़ों को अगर आप तबाह कर, मतलब ऐसी चीज़ जो इनमें से चारों में से कोई भी चीज़ कंटेन करती है, ऐसे कंप्यूटर्स को अपन क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्टेड सिस्टम कह सकते हैं। तो सेंटर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक ऑफिशियल गैजेट से नोटिफाई करेगी कि पर्टिकुलर सिस्टम को प्रोटेक्टेड सिस्टम बोलेंगे जिसके अंदर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीज़ें होंगी जहाँ पे जिनके डिस्ट्रक्शन से नेशनल सिक्योरिटी या फिर इकोनॉमी या पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी अफेक्ट हो जाए, और उसी नोटिफिकेशन में या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अदर नोटिफिकेशन से क्या करेगी, नोटिस इशू करेगी राइटिंग में कि पर्टिकुलर खाली एक फिक्स सेट ऑफ पीपल ही उस प्रोटेक्टेड सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, उनके अलावा और कोई वो सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। सब क्लॉज 3 ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन जिसके पास परमिशन नहीं है सब क्लॉज 2 के अंदर, वो इस प्रोटेक्टेड सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करता है या उसको हैक करने की कोशिश करता है या अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर सज़ा हो सकती है कितने साल की, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस प्रिस्क्राइब कर सकती है कि कैसे कैसे उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड सिस्टम को आपको प्रोटेक्ट रखना है। अब अपन देख लेते हैं सेक्शन 70 भी जो बात करता है नेशनल नोडल एजेंसी, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि नेशनल नोडल एजेंसी क्या होती है। तो ये जो 70A के अंदर नेशनल नोडल एजेंसी है वो 70 प्रोटेक्टेड सिस्टम जो दिया गया है उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, नोटिस पे पब्लिश कर देगा कि किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी को क्या आप कह सकते हो, नेशनल नोडल एजेंसी कह सकते हो, जिसका काम क्या होगा, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन करना। मतलब कि जितने भी प्रोटेक्टेड सिस्टम रहेंगे एक पर्टिकुलर रीजन में उसको संभालने का जो काम है, मतलब उसकी देख रेख करना है, उसका प्रोटेक्शन करना है, वो काम रहेगा नेशनल नोडल एजेंसीज का। और इसके अलावा ये क्या करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करेंगे कि कैसे ये सिस्टम्स को फर्दर प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो 70A जो है वो सिंपल सी है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल नोडल एजेंसी का क्या काम होता है, तो नेशनल नोडल एजेंसी का ये काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्टेड सिस्टम भी कह सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं सेक्शन 70B में जो बात करता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम क्या होती है, इससे क्या काम होता है, ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं सेक्शन 70B। तो सेक्शन 70B जो बात करता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की, तो इसको बनाने कौन बनाएगा, इसको सेंटर गवर्नमेंट ही इसको अपॉइंट कर सकती है विद द ऑफिशियल गैजेट पे जब नोटिफिकेशन करेगा तो ये अपॉइंट होगा। और इसका जो मेन हेड होगा उसका नाम होगा डायरेक्टरेट जनरल, ठीक है। डायरेक्टर जनरल क्या, और उसके अलावा और अदर ऑफिसर्स होंगे, और डायरेक्टर जनरल को कौन अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर जनरल को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। सब क्लॉज 3 सैलरी की बात करता है वो कितने काम के लिए, सब क्लॉज 4 है ये बात करता है मेन द फंक्शन ऑफ नेशनल सॉरी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के फंक्शंस की बात करता है। तो ये वाला जो सब क्लॉज 4 है इसको टेक कर लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है कि क्या फंक्शंस है। तो पहला फंक्शन ए लिखा हुआ है कलेक्शन एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट, तो मतलब डाटा इकट्ठा करना है साइबर
इंसिडेंट्स, मतलब देश जितने भी साइबर इंसिडेंट्स हुए उससे रिलेटेड क्या डाटा इकट्ठा करना, और इन फ्यूचर कोई हो सकता है प्रोस्पेक्टिव अगर कुछ हो सकता है तो उसके बारे में भी डाटा को सर्कुलेट करना। सेकेंड जो है, अगर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट से रिलेटेड देश में अलर्ट जारी करना है। तीसरा है, अगर कोई साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो रहा है तो उसको इमरजेंसी, मतलब उसको कैसे रोकथाम करना है, इमरजेंसी मतलब कोई इमरजेंसी में सपोज कर लीजिए कोई क्रिटिकल सिस्टम तुरंत हैक कर लिया तो उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स कौन देखेगा, उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी यही टीम देखेगी, क्योंकि इसका नाम भी देखिए इंडियन इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है साइबर अटैक से रिलेटेड तो इसको देखना रहेगा। चौथा, साइबर इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है देश में। पांचवा, गाइडलाइंस इशू करनी, मतलब बेसिकली जो पांचवी पावर या फंक्शन है वो पेपर्स लिखने हैं, गाइडलाइंस इशू करनी, नोटिफिकेशन रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, मतलब देश कैसे साइबर सिक्योरिटी बढ़ी जाए, कैसे प्रोटेक्टेड सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे अपने डिवाइस को आप हैक होने से बचा सकते हो, इससे रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हो गई, वाइट पेपर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, जर्नल्स हो गए, वो पब्लिश करना। छठवा है एनी अदर फंक्शंस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिटी, मतलब ये एक रेसिडुअरी प्रोविजन कह सकते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ क्लॉज है वो काम का नहीं, सिक्स क्लॉज है जो है काम का, फिर से यही इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, कौन कौन से पर्सन है, सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP बोल सकते हैं इसको आप लिख लीजिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ISP इज इक्वल टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडियरी, डाटा सेंटर्स, बॉडी कॉरपोरेट, ठीक है, और पर्सन। तो ये जो रिस्पांस टीम है ये पूरे पांचों लोगों से इन्फॉर्मेशन कॉल कर सकते हैं, और इनकेस अगर इन पर्टिकुलर पांचों लोगों ने अगर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी तो इनके खिलाफ केस चलाया जा सकता है, और सज़ा कितनी हो सकती है, 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है 1,00,000 रुपये तक का, और या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। तो 1,00,000 रुपये तक की सज़ा, 1,00,000 रुपये तक का फाइन है, 1 साल की सज़ा है, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो और लास्टली ये लिखा है कि इस केस के, मतलब इस सेक्शन के अंदर जितने भी ऑफेंस हो रहे हैं इसका कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, अनलेस एंड अनटिल जो कंप्लेंट लिखाई गई है वो एजेंसी किसी ऑफिसर ने लिखाई है, तभी वो केस लिया जा सकता है, ठीक है। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, थैंक यू। और अगर कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू सेक्शन आपको क्या कह सकते हैं, IT लॉ, रजिस्ट्रेशन एक्ट, CGLRC, तो आप लोग कमेंट बॉक्स, जो भी आप लोग के तरीके, मैंने आप लोग को पहले से हर वीडियो में बताता हूँ, कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ब्रेक पढ़ने में कुछ गड़बड़ हो जाती है, समझने में गड़बड़ हो जाती है, तो आप लोग अगर कुछ गलती निकालते हो और आपको लगता है कि हाँ ये गलती है तो आप मेरे से शेयर करिए, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा, ठीक है। कोई भी आपको डाउट्स आते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है, समझने में गड़बड़ हो जाती है, आपके भी और मेरे द्वारा भी गलती सबसे हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखिए, आप लोग कोई भी डाउट है वो पूछिए, एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, UGC कल नई गाइडलाइंस आई है, कैसे होंगे, क्या होंगे, बट अपनी आप सेफ साइड में रहिए, अपनी तैयारी आप करते रहिए, एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे इसको एक बार हटा दीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए, सेफ साइड में रहिए। नहीं भी होता तो मैंने हमेशा ही बताया कि नॉलेज जो है कहीं वेस्ट नहीं होने वाली, ठीक है, थैंक यू।